मुझसे एक तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि 20 मई मंडे 2024 फिफ्थ फेज का लोकसभा इलेक्शन है मुंबई में, और हम जहाँ से कैंडिडेट है मुंबई साउथ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो तकरीबन स्टेट गवर्नमेंट तो जहाँ जहाँ इलेक्शन है उसे तो हॉलीडे डिक्लेयर करेंगी। इसी वजह से जो शेयर बाजार है वो सैटरडे के दिन ओपन था और मंडे उसकी छुट्टी रहेंगी ताकि सब लोग वोट कास्ट कर सके। अभी जो इलेक्शन होता है तो इसे आप जैसे आप क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, 2020 का जो रहता है या 50 ओवर्स का रहता है या आईपीएल रहता है, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हर रन की एक वैल्यू रहती है, हर विकेट की एक वैल्यू रहती है। उसी तरीके से ये इलेक्शन होता है, भले ही बड़े बड़े कैंडिडेट्स, बड़ी बड़ी पार्टी के कैंडिडेट्स बहुत ही प्रचार करे, बहुत ही रैली करे, बहुत ही रोड शो करे, हाई प्रोफाइल लीडर्स को, पर्सनालिटी को स्टेज पे बुला के स्पीचेस दे, लेकिन यकीन मानो मैं भी एक कैंडिडेट हूं इस इलेक्शन का, एम पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में हमारी निशानी जो है बैटी टॉर्च है, ईवीएम में फिफ्थ नंबर पे, तो यकीन मानो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो तो संडे की नाइट सो पाएंगे, मगर ये जो बड़े नेता है, बड़े कैंडिडेट से इन्हें रात भर नींद नहीं, इन्हें खौफ रहेगा, ये पूरी रात आसमान पे तारे गिनते रहेंगे। तो कहने का मकसद ये कि कोई भी रहे, इंडिपेंडेंट रहे, बड़ा नेता रहे, छोटा नेता रहे, कोई भी रहे कैंडिडेट इलेक्शन का, उसे एक एक वोट्स की वैल्यू मालूम है। तो बस ये समझ लीजिए जिस तरीके से आईपीएल में एक एक रन की वैल्यू है, एक एक विकेट की वैल्यू है, एक एक रन से मैच हार जाता है इंसान, उसी तरीके से आपका एक वोट ना देने से बड़ा कैंडिडेट भी हार सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वोटर से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी घर से निकल के वोट डालने जाइए। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है, आप 4 बजे 3 बजे 5 बजे का वेट मत कीजिए। 7 बजे का टाइम है, 6:30 बजे घर से निकल जाइए, 7:45 बजे घर से निकल जाइए। अर्ली मॉर्निंग बहुत ही शांति रहती है और मौसम भी थोड़ा ठंडा रहता है। फैमिली के साथ जाइए, पूरी फैमिली के साथ जाइए, नाश्ता ब्रेकफास्ट की मच में मत रहिए, पहले वोट डाल के आ जाइए, फिर आराम से, क्योंकि हॉलीडे, आराम से घर पे रहिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, सब कीजिए, मगर सबसे पहले 20 मई का जो काम है वो है वोट डालना। गवर्नमेंट करोड़ों रुपया सर्व करती है इस इलेक्शन के लिए, और आप पिछले 5-10 सालों से जो मुब्तिला है तकलीफात में, धंधा पानी चौपट है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, कहीं से कोई सुकून दस्तियाब नहीं हो रहा, तो ये आपको मौका है। आपका एक वोट हुकूमत के तख्ते पलट सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को गिरा सकता है, आप अपनी चहेती गवर्नमेंट ला सकते, चहेता नेता ला सकते, फेवरेट आपका जो नेता है उसको ला सकते, मगर कब आएगा वो, जब आप वोट डालेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका वोट के, हम भी हकदार है, हम भी कैंडिडेट है। मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, जो कि न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड है, 2014 से 10 साल हो गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने इस लोकसभा के तहत पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में हमारी पार्टी का प्रचार किए, खुद का प्रचार किए, अब लोग जानने लगे कि मोहम्मद नईम शेख है मुंबई में, जिसकी पार्टी का नाम है एम पॉलिटिकल पार्टी, जो कि ये लोकसभा इलेक्शन मुंबई साउथ से लड़ रहा है, जिसकी निशानी बैटी टॉर्च है, और हम भी हकदार है आपके वोट के, और आप वोट यकीनन डालिए और एक रिकॉर्ड बनाइए कि ये मुंबई का जो है, मुंबई साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इससे ज्यादा वोटिंग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई, एक मिसाल बनाइए ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाए कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी 31 मुंबई साउथ लोकसभा से, जहां से हम भी अपनी किस्मत आजमा रहे। खुदा हाफिज़।